गाइस, अगर अभी तक आपने आधार से अपने पैन कार्ड को लिंक नहीं किया है तो ऐसे में दोस्तों तारीख अब लिंक करने की नजदीक आ चुकी है। अगर आप 31 मार्च से पहले अगर आपने जो है कि पैन कार्ड से आधार लिंक नहीं करेंगे तो आपका जो पैन कार्ड है निष्क्रिय कर दिया जाएगा। तो गाइस, 31 मार्च से पहले अगर आपको करना है तो कर लीजिए, नहीं तो दोस्तों आपका जो है कि पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा और आपका अकाउंट भी बंद हो जाएगा। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कौन कौन ऐसे लोग हैं जो पैन कार्ड को आधार से लिंक बिल्कुल फ्री में कर सकते हैं, कौन से ऐसे लोग हैं जिनको दोस्तों फ्री में आधार से पैन लिंक नहीं कर सकते हैं, इस वीडियो में टोटल जानकारी देने वाला हूं। साथ ही दोस्तों मैं ये भी बताने वाला हूं जो 31 मार्च के बाद क्या समय सीमा बढ़ाई जाएगी, इस पे भी विचार किया जा रहा है, इसके बारे में भी मैं आपको जानकारी देने वाला हूं। तो इस वीडियो में बने रहिएगा, टोटल जानकारी मैं आपको दूंगा। जिनका लिंक नहीं है वो लोग जरूर इस वीडियो को देखें और किस प्रकार से सही तरीके से लिंक करेंगे, इस वीडियो में टोटल जानकारी मैंने दिया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करें। आपको करना क्या, इस प्रकार से ई फिलिंग के पोर्टल पे आना होगा और यहाँ पे दो आपको ऑप्शन मिल जाता है गाइस, इस प्रकार से आप देख सकते हैं। सबसे ऊपर दोस्तों आपको यहाँ पे आना है, तो सबसे पहले आपको चेक करना है कि आपका आधार स्टेटस क्या शो कर रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, आधार लिंक स्टेटस पे आके क्लिक करेंगे। अगर लिंक नहीं होगा तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, मैं एक एक जानकारी आपको देने वाला हूँ। तो इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे गाइस, आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस मिलेगा। और गाइस, यहाँ पे अपने सबसे पहले ऊपर यहाँ पे पिन नंबर को फिल करिएगा, उसके बाद आधार नंबर को फिल करके व्यू लिंक आधार स्टेटस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना। अब गाइज, हम लिंक व्यू वाले स्टेटस पे क्लिक करेंगे। तो गाइज, अगर आपका लिंक नहीं रहेगा तो कुछ इस फॉर्म में यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे लिख देगा पेन नॉट लिंकेड विद आधार प्लीज क्लिक। यहाँ पे एक आपको जो है कि लिंक मिल जाएगा, इस पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ से दोस्तों आपका आधार लिंक होने का जो प्रोसेस है ओपन हो जाएगा। अगर लिंक रहेगा दोस्तों तो इस प्रकार से यहाँ पे मैं एक कोई स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ, इस प्रकार से लिख देगा कि प्लीज आधार आपका ऑलरेडी लिंकेड, इस प्रकार से लिख देगा। अगर लिंक नहीं है तो दोस्तों इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करेंगे अब आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस मिलेगा और यहाँ बताया जा रहा है 3 स्टेप में यहाँ जो है कि अपना स्टेटस को आप यहाँ वेरीफाई कर पाओगे। तो गाइस, यहाँ नीचे आओगे तो यहाँ पे वही आपको पिन नंबर फिल करना होगा, आधार फिल करिएगा और यहाँ वैलिडेट के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। अब गाइस, हम बात करते हैं कौन कौन से ऐसे लोग हैं जिनको छूट दी जा रही है। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कुछ स्टेट ऐसे हैं जैसे आसाम हो गया, मेघालय हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, इस राज्यों में दोस्तों अभी तक छूट दी गई है। अगर आपका पैन कार्ड बना, अगर आप इस राज्य के निवासी हैं तो अगर लिंक नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। या दोस्तों आपके घर में कोई 80+ हो गया, अगर उनका नहीं लिंक है तो भी दोस्तों उनको छूट मिल जाएगी। तो अब गाइस, हम बात करते हैं कि इसको फिल करके आगे की प्रक्रिया में आपको दिखाता हूं। अब गाइस, जैसे वैलिडिट के ऑप्शन पे क्लिक करोगे आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस मिलेगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि पेमेंट डिटेल इज नॉट फाउंड, इस प्रकार से लिखेगा। अब गाइस, नीचे आएंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिला कंटिन्यू विथ पे, यहाँ पे थ्रू करके ई पेन टेक्स्ट पे लिख रहा है, तो इस पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करेंगे अब गाइज, इस प्रकार से इंटरफेस मिलेगा। अब गाइज, यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको क्या मांग रहा है, आपका यहाँ पे पेन नंबर मांग रहा है, कंफर्म करिएगा, यहाँ पे मोबाइल नंबर कोई भी एक फिल करिएगा, उसके बाद दोस्तों कंटिन्यू के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना। अब गाइज, इस प्रकार से हम कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे वन टाइम। गाइज, इस प्रकार से ओटीपी को फिल करिएगा, कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आपका यहाँ पे पेन नंबर दिखाएगा और आपका यहाँ पे नाम दिखाएगा और यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर आपको मिल जाता है सक्सेसफुल, आपकी ओटीपी वेरीफाई हो गई है। कंटिन्यू के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करेंगे आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस गाइज मिल जाएगा और यहाँ पे आप जो देख रहे हैं टैक्स यहाँ पे लिख रहा है इनकम टैक्स, इस प्रकार से इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। तो इस वाले बॉक्स पे जो आपको दिख रहा है ये वाला बॉक्स, इसी पे क्लिक करेंगे तभी दोस्तों इस वाले जो आपको बॉक्स दिख रहा है इस पे आपको क्लिक नहीं करना है, तो नहीं तो दोस्तों आपका पेमेंट का जो थ्रू है अलग हो जाएगा। तो अब गाइस, यहां पे जो है कि प्रोसीड के ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस मिलेगा और यहां पे दोस्तों आपको सेलेक्ट करने का मेथड आ रहा है, तो यहां पे आप सेलेक्ट करिएगा, यहां पे 2023-24 को सेलेक्ट करिएगा। उसके बाद गाइस, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहां पे जो आपको पेमेंट रिसीव्ड या 500 जो लिख रहा है इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, इस प्रकार से अब आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस मिल जाएगा। नीचे चले आएंगे दोस्तों, यहां पे 1000 रुपया सेलेक्ट रहेगा, उसके बाद यहाँ आपको कंटिन्यू वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करेंगे आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस मिलेगा। अब गाइस, यहाँ बताया जा रहा है किसके थ्रू आप यहाँ पे जो है कि पेमेंट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे गाइस आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे यहाँ पे नेट बैंकिंग है, डेबिट कार्ड से करना चाहते हैं, पे या कोई बैंक से करना चाहते हैं, या दोस्तों आरटीजीएस नेफ्ट करना चाहते हैं, तो जो भी आपको सुविधा लग गाइज यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं, आप उससे कर सकते हैं। जैसे अब गाइज, जैसे हमको करना है डेबिट कार्ड से, तो डेबिट कार्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक करिएगा, जो भी आपका बैंक होगा इस प्रकार से सेलेक्ट करिएगा। जैसे मैं पीएनबी से करने वाला पंजाब नेशनल, इस प्रकार से सेलेक्ट करिएगा, कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा, आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस मिल जाएगा। गाइज, आप नीचे आएगा तो आपकी इस प्रकार से स्लिप दिख जाएगी, पेमेंट डिटेल दिख जाएगी। अब गाइज, आपको यहाँ पे नीचे चले आना, पे नाउ के ऑप्शन पे क्लिक कर देना।
देना। जैसे क्लिक करेंगे नीचे आइएगा, टर्म कंडीशन मिल जाएगा आपको। इस प्रकार से यहाँ पे आई एग्री वाले ऑप्शन पे क्लिक करके बैंक टू सबमिट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करेंगे थोड़ी देर आप वेट करिएगा। इस प्रकार से वेट करने के बाद आपकी जो भी ट्रांजेक्शन स्लिप होगी इस प्रकार से दिख जाएगी। नीचे चले आइएगा गाइज, यहाँ पे जो सबमिट का ऑप्शन मिला सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। इस प्रकार से जैसे ही क्लिक करेंगे मेक पेमेंट का ऑप्शन यहाँ पे ओपन हो जाएगा गाइज। अब यहाँ पे जो भी आपका बैंक यहाँ पे इस प्रकार से सेलेक्ट कर लीजिएगा। अब यहाँ पे डेबिट कार्ड नंबर फिल करिएगा, एक्सपायरी डेट फिल करिएगा, सीवीसी नंबर फिल करिएगा, अपना नए बिल के मेक पेमेंट के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर। अब गाइस इस प्रकार से पूरी डिटेल को फिल करिएगा, मेक पेमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे प्लीज वेट लिखेगा। थोड़ी देर तो गाइस आप वेट करेंगे। इस प्रकार से वन टाइम पासवर्ड आपके मोबाइल पूछेगा, तो इस प्रकार से मोबाइल का ऑप्शन सेलेक्ट करिएगा, सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार से एक ओटीपी आपके मोबाइल पे रजिस्टर्ड मोबाइल पे भेजी जाएगी। यहाँ पे ओटीपी को फिल करिएगा, सबमिट के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर गाइज ओटीपी को फिल करिएगा, सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। आपके सामने इस प्रकार से पेमेंट का जो प्रोसेस होगा इस प्रकार से मिल जाएगा। और गाइज इसको आपको काटना नहीं, बैक नहीं करना, इस प्रकार से आपको यहाँ पे आपको देखना है। नीचे जब आएंगे तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे क्लिक हेयर टू गो टेन, इस प्रकार से आप देख सकते हैं आपका सक्सेसफुल तरीके से पेमेंट हो चुका है। अब गाइज आपको करना का यहाँ पेमेंट का स्लिप यहाँ पे डाउनलोड करने के लिए इस प्रकार से क्लिक करिएगा। क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार से ई फिलिंग के जो पोर्टल होगा यहाँ पे देख सकते हैं गाइज, इस प्रकार से आपको चलान सक्सेसफुल तरीके से यहाँ पे मिल जाएगी। और गाइज यहाँ पे आपका सारा कुछ यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, इस प्रकार से मिल जाएगा द चलान पेमेंट्स इज सक्सेसफुल। और गाइज यहाँ पे स्लिप को डाउनलोड करके अगर आप रखना चाहते हैं तो इस प्रकार से आप स्लिप को डाउनलोड भी करके आप रख लीजिएगा जो आपने 1000 रुपये का पेमेंट किया है। और उसको आपको रखने के बाद गाइज यहाँ पे देख सकते हैं आपका चलान संख्या सारा कुछ डिटेल आपको दिख जाएगी। अब गाइज आपको करना क्या, इस प्रकार से आपको आ जाना है फिर से बैक। गाइज जैसे ही पेमेंट आप कर दोगे तो आपको फिर से बैक आ जाना है होम पेज पे। आने के बाद दोस्तों यहाँ पे जो आपको मिल रहा है आधार लिंक, यहाँ पे फिर से उसी प्रक्रिया को दोहराना होगा। तो इस पे आएंगे, जैसे आपने पेमेंट कटवा दिया सक्सेसफुल हो गया, आपको चलान संख्या मिल गई, फिर से यहाँ दोस्तों देख सकते हैं एक ऑप्शन आपको फिर से करना होगा। यहाँ पे देख सकते हैं आधार लिंक के लिए यहाँ पे पिन नंबर फिल करिएगा, आधार नंबर को फिल करिएगा, वैलिडेट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो एक नया इंटरफेस आपको। अब गाइज जैसे ही आधार नंबर और यहाँ पे पिन नंबर दोबारा से हम फिल करेंगे, वैलिडेट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, अब गाइज इस प्रकार से इंटरफेस आपको देखने को मिल रहा होगा। और यहाँ पे दोस्तों आप ऊपर देख सकते हैं योर पेमेंट डिटेल, यहाँ पे वेरीफाइड लिख रहा है कि आपका पेमेंट हो चुका है। और आपकी जो चलान संख्या यहाँ पे देख सकते हैं, सीरियल संख्या भी आपको देखने को शो कर रही है, और BSR कोड भी यहाँ पे शो कर रहा है। तो अब गाइज आपको करना क्या है, इस प्रकार से यहाँ पे कंटिन्यू के ऑप्शन पे आके क्लिक कर देना है। क्लिक करेंगे गाइज, अब यहाँ पे मांगा जा रहा है आपसे जो आधार पे आपका नेम होगा उसको यहाँ पे फिल करिएगा, उसके बाद यहाँ मोबाइल नंबर को फिल करिएगा यहाँ पे। और पूछा जा रहा है कि आपके जो पैन कार्ड पे अगर आपका ईयर शो करेगा तो ईयरली आप ऊपर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे 1995 अगर आपके पैन कार्ड पे केवल शो कर रहा है तो दोस्तों ऊपर वाले ऑप्शन पे क्लिक करिएगा। अगर दोस्तों जैसे मान लीजिए 1/4/1995 शो कर रहा है या दोस्तों 1/3/1995 तो नीचे वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। तो इस प्रकार से क्लिक करके लिंक आधार वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। अब गाइज यहाँ पे जैसे लिंक आधार के स्टेटस पे क्लिक करेंगे वन टाइम पासवर्ड आपके मोबाइल पे भेजा जाएगा, ओटीपी फिल करके वैलिडेट के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। गाइज जैसे ओटीपी फिल करके वैलिडेट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देख सकते हैं योर रिसिप्ट योर आधार पेन, यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों आपका सक्सेसफुल तरीके से यहाँ पे लिंक हो चुका है। अब गाइज यहाँ पे बोला जा रहा है प्लीज चेक स्टेटस, मतलब आप चेक कर सकते हैं आपका स्टेटस कुछ समय में, जो कि UDI की तरफ से लिंक कर दिया जाएगा, आपका पेन और आधार से लिंक कर दिया जाएगा। तो गाइज आपको इतना जरूर करना होगा, आप पेमेंट कराने के बाद फिर से जो है कि होम पेज पे आइएगा, वहां से दोस्तों आधार लिंक स्टेटस पे आके आपको यहाँ पे जो है कि एक बार वेरीफाई करेंगे। इस प्रकार से जब तक नहीं लिखेगा दोस्तों तब तक दोस्तों आपका जो है कि लिंक नहीं होगा। बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं पेमेंट कटवाने के बाद छोड़ दे रहे हैं और वो परेशान हो जा रहे हैं कि मेरा लिंक क्यों नहीं दिखा रहा, तो इतना करोगे तभी दोस्तों जो है कि आपका लिंक होगा आधार से पैन कार्ड। तो आई होप दोस्तों आप समझ गए होंगे किस प्रकार से हमें पेमेंट करना है, किस प्रकार से यहां से आके दोबारा से लिंक करना है। अगर जानकारी आपको अच्छी लगी है दोस्तों तो एक लाइक करिएगा, अगर चैनल पे आप नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं फिर से किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।